पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत कथा पाठ किए बिना सफल नहीं माना जाता, अतः विनायक चतुर्थी व्रत कथा को अवश्य सुने, पाठ करें, जिससे कि सारे कष्टों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के आप अनुभागी बन सके। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कुछ विभिन्न कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहा जाता है माता पार्वती को अपने बाल्यकाल में चौपड़ खेलना बहुत पसंद था, जिसमें कि उनकी सखियां हमेशा उन्हें ही विजयी करा दिया करती थी, जिससे कि माता पार्वती अति आनंदित और प्रसन्न हो जाती थी। पर अगर कभी ऐसा ना हो और चौपड़ खेलने में पार्वती हार जाती तो वो अपनी सखियों पर क्रोधित भी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे विराजमान थे, तो पार्वती जी ने महादेव से चौपड़ खेलने के लिए आग्रह किया और शिवजी तैयार हो गए। लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं था। शिवजी ने आसपास देखा तो कुछ घास के तिनके बिखरे हुए थे। उन्होंने तिनकों को उठाया और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। शिवजी ने पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताओगे कि हम दोनों में कौन जीता और कौन हारा। और उस बालक ने प्रसन्न होकर अपना मत रखने की हामी भर दी। इसके बाद शिवजी और पार्वती जी चौपड़ खेलने लगे। दोनों ने ये 3 बार खेला और संयोग से पार्वती जी की तीनों ही बार जीत हुई। किंतु खेल समाप्त होने पर जब उस बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने शिवजी के प्रभाव में आकर कहा कि चौपड़ के खेल में भगवान शिवजी जीते हैं। बालक की ये बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बालक को ये सुनकर बहुत दुख और ग्लानी का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी और कहा कि ये उससे अज्ञानतावश हुआ है। माता ने कहा कि वो श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन पश्चाताप से ये ठीक हो सकता है। माता ने कहा कि तुम ऐसा करना, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आने वाली हैं, तो उनके कहने के अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। फिर माता पार्वती और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ नाग कन्याएं आई तो बालक ने उनसे श्री गणेश व्रत की विधि पूछी। उसके बाद बालक ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को मन वंचित फल मांगने को कहा और उसके सारे कष्ट दूर किए। बालक पहले की तरह भला चंगा हो गया। तब से ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की आराधना करने वाले के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी पूजा के बिना कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होते। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की इस दिन आराधना करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत कथा को पढ़ने वाले की इच्छाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।